नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता पैलेस गार्डन में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य समिति के सहयोग एवं व्यापारी संघ के प्रयास से जन जन को टीकाकरण महाअभियान के तहत दो दिवसीय कैंप में पहुंचे। कलेक्टर ने यहां पर टीकाकरण के लिए जो स्टाफ अपनी सेवा दे रहा है उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा संकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह राठौर, सचिव पंकज जैन, अन्य सदस्य डॉक्टर राहुल गणावा के संयुक्त प्रयास से बड़ी मात्रा में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में नागरिक आकर टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं। झाबुआ जिला ब्यूरो चीफ राजेंद्र राठौर। सर, आज जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सकल व्यापारी संघ महाअभियान का शिविर लगाया गया है, आज कितने हो गए यहाँ पर वैक्सीनेशन? इस कार्यक्रम में हमारे अभी तक 410 टीके लग गए हैं, जिसमें 210 महिलाओं ने अभी तक सहभागिता करी है। साथ ही हमारे 190 पुरुषों के द्वारा टीके लगाए जा चुके हैं। और ओवरऑल अभी तक झाबुआ जिले में टीकाकरण का क्या प्रतिशत है और युवाओं का क्या प्रतिशत है? झाबुआ जिले में अभी तक 94,000 से अधिक हमने हितग्राहियों को टीके लगा दिए हैं और 18 वर्ष से लेकर 44 आयु वर्ग में हमने 22,000 अब तक टीके लगा दिए हैं। और सर, ये जो सेकेंड डोज का 84 दिन किया गया है, इसमें लोगों में ये भ्रांतियाँ फैल रही है कि सरकार के पास या प्रशासन के पास टीकों की कमी है। यह पूरी तरह से भ्रामक बात है। भारत सरकार टीकाकरण की एक टेक्निकल कमेटी रहती है, वो जो समय समय पर रिसर्च करती है, जिसमें यह देखती है कि टीके का रिस्पांस पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में कौन सा कारगर रहता है, उन दिवसों की वो रिसर्च करती है। रिसर्च में उन्होंने पाया कि जब सेकंड डोज जितना अधिक लंबे समय के बाद लगाया जा रहा है तो उसका इम्यूनिटी का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तब तकनीकी सलाहकारों ने भारत सरकार से आग्रह किया कि सेकंड डोज